सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। बीजेपी ने हरियाणा आईटी सेल इंचार्ज को निकाला। पैगंबर के खिलाफ 2017 में किया था ट्वीट, सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की हो रही मांग। उत्तराखंड में नदी में गिरी कार। रामनगर की ठेला नदी में कार पलटने से 9 लोगों की मौत, एक बच्ची को जीवित निकाला। राज्यों में भारी बारिश, कहीं बाढ़ कहीं लैंडस्लाइड। गुजरात के जामनगर में स्कूली बस पानी में फंसी। राजस्थान में बिजली गिरने से 5 की मौत। उद्धव ठाकरे कैंप फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एकनाथ शिंदे गुट को सरकार बनाने के राज्यपाल के न्योते को दी चुनौती। अरुणाचल प्रदेश के ग्राम पंचायत की 130 में से 102 सीटों पर निर्विरोध भाजपा का कब्जा। 14 सीट पर 12 जुलाई को उपचुनाव। जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। हार्दिक के पार्टी छोड़ने के बाद 7 नई नियुक्तियां। कछुआ में 10 साल के बच्चे की हत्या, बोरे में कैद कर खेत में फेंकना चाहते थे आरोपी, पुलिस ने पकड़ा 4 गिरफ्तार। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस मामले में स्वप्ना सुरेश ने सीएम विजयन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, कहा वो मुझे परेशान कर रहे हैं। झारखंड सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत साहिबगंज और रांची में 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सुबह 7 बजे से ईडी की रेड जारी। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता कामराज के 49 परिसरों पर विजिलेंस के छापे, कई शहरों में चल रही जांच। गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर गोवर्धन में बनाई गई 42 पार्किंग, मथुरा वृंदावन में भी बदली जाएगी यातायात व्यवस्था। मर्डर में वांटेड शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों का हुआ आमना सामना। बिजनेस में जेब काटते हुए पकड़ा गया जेब कतरा, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। बीच बचाव करने पहुंचे हुई एफआईआर। झांसी के थाने में तमंचे पर डिस्को वाला सिपाही बर्खास्त, नाचते हुए किए थे फायर। एसपी बोले पुलिस की छवि धूमिल की। पति ने दोस्तों से गिराया पत्नी का रेप, अश्लील वीडियो भी बनाया, बोली नशे की लत पूरी करने के लिए करता है गंदा काम। हरदोई में बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, दस्तावेजों में हेराफेरी का कर पाया था नौकरी जांच शुरू। सपा से छिनी नेता विपक्ष की कुर्सी, विधान परिषद में पहली बार खाली हुआ पद। 72 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। फतेहपुर में 1 साल बाद युवती की हत्या का खुलासा, प्रेमी ने अपहरण कर घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो दिवसीय दौरे पर सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक कर जनता की नब्ज टटोली।
कन्नौज में युवती से गैंगरेप, दो युवकों ने पहले पीटा फिर की दरिंदगी, मुकदमा दर्ज। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, सावन में हर सोमवार से पहले हाईवे पर होगा रूट डाइवर्ट। पीलीभीत में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क, बकरीद पर कुर्बानियों के बाद नालियों में दिखेगा नीला खून। प्रतापगढ़ रेलवे टिकट काउंटर पर पड़ा छापा, आवेदन फॉर्म भरने के नाम पर हो रही थी हेरफेर, रेलवे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। लखनऊ में किसान की हत्या, खेत के पास पड़ा मिला शव, सड़क किनारे पलटा पड़ा था ट्रैक्टर। न्यायालय परिसर से फरार बंदी मुठभेड़ में गिरफ्तार, हत्या के मामले में पेशी पर लाया गया था, पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। जौनपुर की एसओजी टीम ने सुल्तानपुर से तीन को दबोचा, लूट की वारदात को अंजाम देकर जिले में आए थे लुटेरे। ललितपुर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक की मौत, दो दर्जन से अधिक लोग घायल। सुल्तानपुर जेल में बंदी की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर बंदी ने फांसी लगा कर दी जान। बिजनौर में लड़की ने ही किया था मंगेतर का अपहरण, तीन लोगों के साथ गन पॉइंट पर उठाया, मंदिर में कर रही थी जबरिया शादी। पीलीभीत की मस्जिद में दावते इस्लामी संगठन, बैन संगठन के सदस्यों के आने पर लगी रोक, एक दिन पहले स्कूल को किया था सीज। ग्रेटर नोएडा में दबंगई आई सामने, शराब पीने से मना करने पर जूस कॉर्नर संचालक को पीटा, सागर प्लाजा में वारदात हुई। बंद घर की कुंडी काटकर लाखों की चोरी, दूसरे घर में सो रहा था परिवार, सुबह आग खुली तो बिखरा मिला सामान। कुशीनगर सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, ट्रक और कार में आमने सामने भिड़ंत, मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग ने आशाओं के साथ की बैठक, निर्देश दिए परिवार नियोजन के साधनों के प्रति दंपत्ति को करें जागरूक। मेरठ में गंगनहर में गिरी स्कॉर्पियो, गुरुग्राम में हरिद्वार जा रहे थे चार युवक, दो युवकों को गोताखोरों ने बचाया। बदायूं में तमंचा और पिस्टल के साथ डांस, कल तो सिकंदर का था दीदार है पर नाचे बाइकर्स गैंग के मेंबर। पीलीभीत में फायरिंग, दरगाह पर अशोभनीय टिप्पणी करने का विरोध पर दबंगों ने चलाई गोली। भदोही में नाले का पानी नहीं हो रहा ओवरफ्लो, वार्ड वासियों ने नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन, जल निकासी का नहीं हो रहा व्यवस्था। मिर्जापुर में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 2200 का चालान, नगर पालिका परिषद ने दुकानदारों को चेतावनी दी। मां काली के पोस्टर पर बोली जयप्रदा, सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए घटिया मानसिकता है, डायरेक्टर को माफी मांगनी चाहिए।
डायरिया फैलने के बाद एक्शन में AK शर्मा बोले डिसीज प्रोन इलाके का दौरा करें, नगर आयुक्त जिम्मेदारों के खिलाफ भी दिए कड़े निर्देश। फिरोजाबाद में रिटायर्ड फौजी ने छोटे भाइयों को मारी गोली, जमीन के बंटवारे को लेकर उठाया खौफनाक कदम, आगरा में चल रहा इलाज। अमेठी में रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त, कासिमपुर हॉल्ट की घटना। झांसी के थाने में तमंचे पर डिस्को वाला सिपाही बर्खास्त, नाचते हुए किए थे फायर, SSP बोले पुलिस की छवि धूमिल की। काला दुल्हा देख दुल्हन का शादी से इनकार, लड़की बोली दुल्हा वो नहीं है जो फोटो में था, पंचायत के बाद भी नहीं मानी लड़की। उत्तराखंड के धर्मनगरी में मां काली के भक्तों में आक्रोश, फिल्म निर्माता मणि मेकलाई समेत 11 के खिलाफ केस। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार सवार, 10 लोगों में से 9 की मौत। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण में तीर्थ यात्रियों का बना रिकॉर्ड, अब तक 35.5 लाख श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण। बद्रीनाथ हाईवे सहित चमोली की 21 सड़कें बंद, गढ़वाल कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के सभी विभाग करेंगे नवाचार आइडिया का चयन, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति में होगा संशोधन। उत्तराखंड के काली सेना के संस्थापक को मिली हत्या की धमकी, नुपुर शर्मा के समर्थन में वीडियो किया था पोस्ट। बद्रीनाथ मंदिर की दीवार पर आई दरार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से होगा अब धाम का रखरखाव। पशु चारा संकट को लेकर प्रदेश में 31% हरे और 70% सूखे चारे की कमी, चारा विकास नीति लागू करेगी सरकार। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम वैज्ञानिकों का कहना अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ मॉनसून। कांवड़ यात्रा 2022 में गौमुख की यात्रा पर रहेगा प्रतिबंध, एक दिन में कांवड़ियों को अनुमति मिलेगी, कम से कम कांवड़ियों को ही अनुमति दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया 3 हफ्ते का समय, कहा वापस ली जाए खाली बोतलें। उत्तराखंड में स्वाइन फीवर को लेकर अलर्ट जारी, पौड़ी देहरादून में 115 सुअरों की मौत। रुड़की रवाना होने से पहले शीश नवाने काली चौड़ मंदिर पहुंचे सीएम धामी, भाजपा नेताओं ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। अल्मोड़ा में पुलिस ने शराब की 42 पेटियों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, वाहन को भी किया सीज। चंपावत में नियमों का उल्लंघन पर स्कूल बसों के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर 2 स्कूल बसें सीज। शिंजो आबे पर हमला, जापान के पूर्व पीएम पर भाषण के दौरान फायरिंग, पीछे से 2 गोली मारी हत्या।
शिंजो आबे की हालत बताते हुए रो पड़े जापानी पीएम किशिदा, कहा माफ नहीं करेंगे बर्बर हमला, पीएम की हुई मौत। पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत। पुतिन ने दी खुली चुनौती, कहा पश्चिमी देशों में दम है तो रूस को जंग के मैदान में हरा के दिखाएं। चोरी नहीं डाका डालने की फिराक में चीन, दुनिया के कई देशों से बड़ा है ड्रैगन का हैकिंग प्रोग्राम, एफबीआई MI5 ने चेताया। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ने यूएन मिस के नए फोर्स कमांडर एंटोनियो गुटरेस की घोषणा की। रूस यूक्रेन जंग, पुतिन के पश्चिमी देशों को चुनौती, कहा यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो हमसे लड़े। खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक में 3 की मौत। तालिबानियों ने खोद निकाली मुल्ला उमर की कार, 21 साल पहले अमेरिकी सेना के डर से दफनाई थी, अब नेशनल म्यूजियम में रखी जाएगी। पाकिस्तान में बाढ़ से 77 लोगों की मौत, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 की गई जान, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले में 77% की उछाल, WHO ने दी चेतावनी, कहा वायरस के प्रसार के स्तर को लेकर चिंतित हैं। छिहत्तर मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर कंकाल की होगी नीलामी, बिक्री पूर्व अनुमान $5 मिलियन से $8 मिलियन। सस्ता हुआ खाने का तेल, मदर डेयरी ने ₹14 प्रति लीटर तक दाम कम किए, अन्य कंपनियां भी कम कर सकती हैं कीमत। विदेशी सफर करने वालों की संख्या बढ़ी, जून में 44 लाख भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की, ये प्री कोविड के 79% के बराबर। एयरटेल ने लॉन्च किया 4 सस्ते प्लान, ₹150 से कम कीमत के, इन प्लान में मिलेगी महीने भर की वैलिडिटी। अगले साल पूरी दुनिया में आ सकती है मंदी, कच्चा तेल हो सकता है $45 प्रति बैरल। भारत के आयात में चीन का हिस्सा 0.90% घटा, मोबाइल फोन का आयात 55% गिरा। July 12 से मैदा और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध, रूस यूक्रेन संघर्ष से बड़ा खाद्यान्न संकट। कनाडा के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म FCF पे पर शिबा INU, बोन और लीश हुए लिस्ट। एल सेल्वाडोर के ऑफिशियल क्रिप्टो वॉलेट ने प्रोसेस की $5.2 करोड़ की रेमिटेंस, E1 सेल्वाडोर की क्रिप्टो पर सरकार का है नियंत्रण। ईडी की जांच के घेरे में आए क्रिप्टो एक्सचेंज, मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले, मिला नोटिस। अमेरिका के 2 राज्यों का रहे क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पेमेंट लेने की तैयारी, क्रिप्टो करेंसी में टैक्स का भुगतान करने की फैसला किया। साल के हुए सौरभ गांगुली, टीम इंडिया को 20 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, पाकिस्तान को उनके घर में दी थी मात। विंबलडन सेमीफाइनल से हटे चोटिल राफेल नडाल,
8 बांग्लादेशी गेंदबाजों पर भारी पड़े पुराना 39 गेंद में बनाए 74 रन 5 छक्के जड़े। वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से जीता मुकाबला। भारत को मिला पाक से हिसाब बराबर करने का मौका। एशिया कप में 28 अगस्त को आमने सामने होंगे चिर प्रतिबद्ध। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर जोस बटलर हुए चारों खाने चित। पहली ही गेंद में दिखाया पवेलियन का रास्ता। भारत की इंग्लैंड में सबसे बड़ी जीत। पहले टी20 में अंग्रेजों को 50 रन से हराया हार्दिक। अर्धशतक के साथ 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। हार्दिक ने अकेले दम पर जिताया पहला टी20। कभी एमआई ने साथ छोड़ा, वापसी पर आईपीएल चैंपियन बने। भारत इंग्लैंड मैच में होगी जासूसी। दूसरे टी20 के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे जासूस। नस्ल भेदी कमेंट करने वालों की पहचान करेंगे। टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप। भारत की विमेंस टीम ने श्रीलंका को 39 रन से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने खेली 75 रनों की पारी। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में। एचएस प्रणय भी टॉप 8 में पहुंचे। साई प्रणीत कश्यप दूसरे दौरे से हारकर बाहर। गॉडफादर के गैंगस्टर का निधन। हॉलीवुड स्टार जेम्स कान का 82 साल की उम्र में निधन। 2021 में रिलीज हुई थी आखिरी फिल्म। कार्तिक का फनी रिप्लाई। विदेश में छुट्टियां मना रहे कार्तिक आर्यन को देख पहचान नहीं पाया फैन। एक्टर ने कहा आधार कार्ड दिखाओ। न्यूयॉर्क में कपिल शर्मा के शो हुए पोस्टपोन। प्रमोटर लौट रहे टिकट के पैसे। नई डेट्स जल्द होगी अनाउंस। मलयालम एक्टर पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार। सुजीत रवि पर पार्क में 2 नाबालिग लड़कियों के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप। कॉन्ट्रोवर्सी के बाद नहीं मिल रहा रिया चक्रवर्ती को काम। प्रोड्यूसर राणा सरकार बोले एक्ट्रेस का करियर बिना गलती के बर्बाद हो गया। प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी। संदीप सिंह को फेसबुक पर अज्ञात व्यक्ति ने किया मैसेज। कहा मूसेवाला की तरह तुम भी मारे जाओगे। शेरा का दूसरा गाना हुआ रिलीज। फितूर में रणवीर वाणी की दिखी दमदार केमिस्ट्री। 22 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 26 साल पहले लखनऊ में चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट। फिल्ममेकर आनंद एल रॉय बोले रक्षाबंधन का ख्याल पैंडेमिक में आया था। इंडस्ट्री में 20 साल तक इस रिश्ते के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। शहनाज गिल का वीडियो वायरल। रेड बैकलेस ड्रेस में शहनाज ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज। फिट अवतार में फैंस देखकर हुए हैरान। शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।